हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो आपको अभी पता चल ही गया होगा कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने अभी अभी एक नया वीडियो डाला है जिसमें कि वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं वो और कितनी जो है वो इफ़ेक्टिव है। तो इनकी जो बातें हैं मुझे एक बार समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इनकी बातों से अच्छा मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन समझ लूँगा, वो मुझे एक बार समझ में आ जाएगी, पर मुझे इनकी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आई आज तक कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो इनके जो ट्वीट है जस्ट उसके नीचे, अभी इन्होंने अभी ट्वीट करा 2 घंटे पहले, तो उसके नीचे जस्ट जो हमारे स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे जिनको अभी पता है कि एग्ज़ाम नहीं हो सकती क्योंकि कोरोना के केसेस आपको पता है कितने ज़्यादा हो रहे हैं, 10,000 केसेस पर डे निकल रहे हैं, तो इसके नीचे जाके वो है ट्वीट कर रहे हैं बढ़िया पोस्टपोन्ड 2000 नीट। आप भी इनका सपोर्ट कर सकते हैं, अभी टाइम है यूनिटी दिखाने का, अभी आप जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ पर पोस्टपोन्ड नीट के टाइम से हैशटैग चल रहा है और आप वहाँ पर जाके सपोर्ट करिए। अगर इसमें ऐसा रहता है ट्विटर में कि अगर आप जो है 1 घंटे में सबसे ज़्यादा अगर 10,000 के ऊपर ट्वीट होते हैं तब जाके आपका ट्रेंड होगा, वो तो वो चीज़ आपको करने के लिए सारे बच्चों को एक साथ आना पड़ेगा, तभी ये चीज़ हो सकती है। आप इस वीडियो को अगर शेयर करेंगे तो हो सकता है कि आपके दोस्त भी ट्वीट करें, जो भी है ट्वीट करें सब लोग, तब जाके ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। अभी देखिए जैसे कि काफ़ी सारे चैनल्स ने अभी जो वीडियो डाला कि सेंटर की लिस्ट आ गई है, ये आ गई, वो आ गई, तो कुछ भी सेंटर की लिस्ट नहीं आई है। अभी सेंटर की जो लिस्ट है वो पहले से NTA पर डली हुई है, जो जिसमें सिर्फ जो आपको सिटी का जो नाम बताया है उसमें कोई सेंटर की लिस्ट नहीं आई। जैसे कि अभी स्टडी स्किल सक्सेस एक चैनल है, उन्होंने अभी अभी एक वीडियो डाला है कि जो सेंटर की लिस्ट आ गई है, तो फेक वीडियो, उसमें कुछ नहीं बताया उन्होंने, बस दिखा के बता दिया कि ये जो है इन सिटीज़ में एग्ज़ाम होने वाली है। तो भाई वो तो हमको पहले से पता है कि एग्ज़ाम वहाँ पे सिटीज़ में होने वाली है, आप क्या हमको नई चीज़ बता रहे हो। पोकेट में वो कुछ भी वीडियो बना देते। अब देखिए, मैं तो आपको वो नहीं कहना चाहूँगा, मैं आपको बस ये कहना चाहूँगा कि आप पोस्टपोन्ड नीट का जो हैशटैग आप चला सकते हैं, अभी टाइम है आपके पास, आप कर सकते हो। आप सब लोग जो है, अगर आपको 1 मिनट लगेगा वो ट्वीट करना, आपको आपने पढ़ाई करने लग जाना। अगर आप चाहते हो कि कुछ हो सकता है तो आपको ट्राई करना चाहिए, और अगर आप नहीं चाहते हो तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। आपको अगर लगता है कि आपको एग्ज़ाम देना तो आप दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब देखिए जो NCHM एग्ज़ाम था, होटल मैनेजमेंट का जो एग्ज़ाम था ना, उसमें सिर्फ 35,000 बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, और UPSC के एग्ज़ाम जो है सिर्फ 8 लाख बच्चे देते हैं, और अगर हम JEE और नीट के मिला ले बच्चे तो 30 लाख से 35 लाख बच्चे हो जाते हैं। तो जब इतने बड़े एग्ज़ाम को वो लोग पोस्टपोन्ड नहीं कर रहे, UPSC को उनने पोस्टपोन्ड कर दिया, क्यों कर दिया भाई? वो तो हमसे बड़े लोग होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, वो तो समझदार लोग होते हैं ना, उनको तो सब पता है कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है और क्या मेजर्स लेने हैं, फिर भी उनकी एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दी। अक्टूबर और अगले जनवरी तक उनका जो है मेंस होगा, पर हमारी जो एग्ज़ाम है वो अभी ले रहे हैं। तो किस तरह से आप क्या एक्शन ले सकते हो, अभी आपको लेना चाहिए एटलीस्ट छोटा सा स्टेप आप ले सकते हो एक ट्वीट करके। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं, आपको पता है कि मेरा कोई इंटरनल फ़ायदा नहीं है इसमें। आपको दिख रहा होगा कि जो आप अगर ट्वीट करेंगे तो हो सकता है कि सरकार तक ये बात पहुँचे, और हो सकता है कि आपका जो है रिक्वेस्ट मान ली जाए। सिर्फ आपका जो है 1% चांस है, 2% चांस है, पर ट्राई करने में क्या जाता है दोस्तों, क्यों एक बार ट्राई करना चाहिए। तो चलिए, आप ये वीडियो को छोड़िए और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया आप वहाँ पे जाके ट्वीट करिए, और हो सकता है कि कुछ हो जाए, और ना भी हो तो फिर हमको एग्ज़ाम तो देना ही है। देखो, और पढ़ाई तो अपनी चली रही है, आपको एग्ज़ाम तो देना ही है ना, पूरी तरीके से आपको पढ़ाई करना है, और इतना रिवीजन का टाइम मिला तो अच्छा खासा आपकी प्रिपरेशन भी हो गई होगी। तो मैं यही चाहता हूँ कि एक बार अगर ट्राई कर ले तो क्या जाता है, क्यों। तो चलिए, वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और आई होप कि आप जाके करेंगे ट्वीट, और थैंक यू वेरी मच।